सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्य कुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतार से मैं पागल हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घर आए जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या। हर्ष था चौहे और उल्लास था हर दिशा में। वो घर बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में विफल थी जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर व्यक्ति उत्सव था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे, राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था, उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को, किसके तेज से छट जाएगी ये क्लांति। अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे, श्री राम को राम राज्य समझाएंगे। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है, सतत अनवरता है, जिसने श्री राम का मान प्रशस्त किया, आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या तुमने, देखा क्या कितने सकुचाई से श्री रघुवीर थे, पद की प्रसन्नता या तर्क निरक होने का, ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं, मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर नहीं, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्बलों की पीड़ा थी, दीनहीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोग नहीं, अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे, प्राण मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था उनका, कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही, क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए। इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ, आज स्वयं श्री राम ध्यान रख हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं, उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएगी।
अनुभव है स्वयं सूर्य देव सशरीर पधारे अयोध्या की धरा पर। और देखो श्री सूर्य देव आने को है। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। अनोखा दिन है स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्य देव नारायण और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर है मैं जानता हूँ क्या उनकी पीड़ है। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे बात की कौन बड़ा है, आज्ञा हो तो आपके चरण छूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदि पुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज है आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह होंगे हम ब्रह्म लोक, अब धरती पर जन लोक में आ गए हैं। सूर्य देव के आगमन पर माँ कौशल्या और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं, ताकि अयोध्या का पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं, तब गोचारण होता, चिड़िया गाती है, लेकिन इन दिनों कितनी उदास। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात, राज्य अभिषेक के बाद राज्य जो भी चलाए राम राज उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूँ तपस्वी राम। मनस्वी राम अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह। प्रणाम। प्रणाम मेरे राम। प्रणाम पितामह। राम राज क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज क्या है, उनका नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी चलाएगा। मैं कह रहा था कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है। राम राज आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण, भय हो न भीति हो, मुख्य राम राज नीति जन जन की प्रीति हो, लोक संरक्षण हो, सत का आभास हो, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास हो, प्रेम परम तत्व हो, सब में समत्व हो, दैहिक दैविक या भौतिक संतापों की औषधि अचूक राम बाण है। राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण है, प्रमोद अपंतव आस्था का घनत्व, वैभव विशाल देख करे वर्षम और सदा ही सुकाय, दिशाएं सब मस्त, जनपद में स्वस्थ, उपद्रव ना ही और ना कोई आतंक हो, कोई नहीं दंग, सुख ही सुख विषम
प्रेम योग धर्म मूल प्राण है, राम राज आशय कल्याण है। माँ कौशल्या, अभी ये मुकुट मात्र सोने का है, मैं इस मुकुट को राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना देता हूं। स्वयं सूर्यदेव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम है। हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोग, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खिल उठी श्री राम के राम राज्य से, सूर्यदेव के स्पर्श से पागल हुई मेरी धरा। पर जहां उनका रथ रुका था वहां स्वयं यह कुंभ बन गया। समय बदला, मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल खुशाक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषियों को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और अलौकिक हो गया और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का तेज आज भी अनुभव किया जा सकता है। दिन बीते, साल बीते और फिर अनेकों सालों के बाद राजा दर्शन सिंह यहाँ आए। यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर, कुंड और चारों ओर घाट का निर्माण कराया, जिससे यहाँ की प्रजा भी इस अलौकिक कुंड का लाभ उठा सके। सूर्यदेव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गई और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमा में सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। मैं अयोध्या इस हर्ष से भूली नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण बन रही है।
बना ले वो चित्र।